वाराणसी से अंकुर मिश्रा, पत्रकार की रिपोर्ट। वाराणसी के नाटी इमली का लखा मेला धूमधाम से हुआ संपन्न। वाराणसी के नाटी इमली का लखा मेला में सुमार भरत मिलाप बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न चारों भाइयों का मिलन देख लोगों की आंखों में खुशियां झलक उठी। पूरा मैदान जय श्री राम की गूंज से गूंज उठा के इस मेले में काशी नरेश भी हाथी पर सवार होकर परंपरा के अनुसार पधारे, उन्हें सलामी दी गई। यदुवंशियों ने रथ को खींचकर लीला स्तर तक लाया, लाल पगड़ी बांधे। साफे में यदुवंशियों ने परंपरा का निर्वहन किया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल व सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाला। बरसते पानी को भी ठेंगा दिखाते हुए श्रद्धालुओं ने लाखों की संख्या में उपस्थित होकर मेले को सफल बनाया। दीदी जी, ये किस तरह की परंपरा है, यहाँ क्या होता है? ये बनारस की बहुत ही पुरानी परंपरा है। लखा मेले में से एक मेला है। माना जाता है कि तुलसीदास जी के जो भक्त थे, मेरा भगत, उनको भगवान स्वप्न में आए थे और कहे थे, अपना तीर धनुष दे के, दो लड़के आए थे और तीर धनुष दे के कहे थे कि हर साल आप यहाँ पे मेला कीजिए और हर साल जब यहाँ मेला होगा, प्रभु का मिलन होगा, उस समय साक्षात भगवान ऊपर से दर्शन देंगे, ऐसा मानते हैं। इतनी सारी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं कि इस कलयुग में जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान का वास खत्म हो गया है, देवी देवताओं का वास खत्म हो गया है, वहाँ पे आज के दिन जब मिलन होता है, उस मिलन में भगवान के ऊपर भगवान की छवि आती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का जब मिलाप होता है, उसमें भगवान की छवि आती है। श्री चित्रकूट रामलीला संघ समिति जो मेघा भगत द्वारा शुरू की गई रामलीला है, उसी को देखने के लिए यहाँ सब लोग आते हैं। हम लोग सभी लोग परिवार के जब से अपने जान में आए हैं, अपने साथ में आए हैं, तब से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और ये सारी भीड़ भी इसी विश्वास और इसी भावना के साथ आती है कि आज भगवान का दर्शन। चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक हैं। 479 वर्ष से ये रामलीला भरत मिलाप अनवरत होती चली आ रही है। ये 479वां वर्ष है। इसी मंच पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेघा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सारे देवता, देखिए इंद्र भगवान भी आ गए हैं, सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान का पूजन कर दर्शन करते हैं। ये लाखों लाख की भीड़ ऐसे नहीं आती है, आस्था है उसका, चमत्कार है भगवान का, तब लाखों लाख की भीड़ आती है। इसी रामलीला के हनुमान जी वर्णा नदी लांग गए थे, इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि ये कोई लीला नहीं होती, ये साक्षात भगवान आते हैं, ये कोई मंचन नहीं है। स्वतः देख लीजिए लाखों लाख लोग इसका इस धरती पर करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। चारों भाई का कैसा दृश्य होता है जब मिलते हैं? जब मिलते हैं तो लगता है कि हम लोग जैसे कलयुग में है ही नहीं है, लगता है हमारी शरीर कहीं और मन कहीं और रहता है। मन भगवान की आप देखिए, जिसमें भगवान चढ़ते हैं मंच पर, इतनी बड़ी भीड़ एकदम शांत होकर के भगवान का दर्शन करती है, इससे बड़ा क्या होगा। अपना नाम बता दो। सुमित यादव। सुमित जी, किस तरह की परंपरा है ये? ये हमारा परंपरा सदियों 546 साल पुराना परंपरा है ये, और मिलाप 500 साल पुराना परंपरा है ये, और ये 500 साल से चली आ रही है भरत मिलाप। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ श्री राम प्रभु आज के दिन साक्षात यहाँ प्रकट होते हैं और यहाँ लाखों के पूरा बनारस की भीड़ और बाहर की भीड़ यहाँ आके इकट्ठा होती है और यहाँ भरत मिलाप दिखती है, चारों भाइयों का मिलन। और हम यदुवंशी लोग, पूरा जितने भी यदुवंशी समाज के लोग हैं, आज के दिन ये रथ उठाकर हम लोग प्रभु श्री राम का लीला स्थल से बड़ा गणेश जी वहाँ तक लेके हम लोग कंधे पे अपने जाते हैं। क्या कर रहे हैं आज आप लोग मुलायम सिंह? आज हम लोग मुलायम सिंह, हमारे जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, वो वेदांता गुरुगांव में एडमिट है और उनके स्वास्थ्य कामना करना चाहते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करने आज हम लोग प्रभु श्री राम से करते हैं
और चाहते हैं हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच फिर से आशीर्वाद देने का काम। सबसे मीडिया में आपका पर्ची रहेगा जय श्री राम जी। किस तरह की ये परंपरा है? ये परंपरा पूरी तरह से भक्ति के चमत्कार का परंपरा है और ये करीब लगभग 300-350 साल से ये परंपरा चली आ रही है। और मुक्ता मेघा भगत द्वारा जो है इस रामलीला का शुभारंभ कराया था जिसमें काशी नरेश महाराज का विशेष योगदान रहा। और जब ये आज़ादी के पहले जब रामलीला शुरू हुआ तो इसके पीछे भट्ट जी हनुमान जी का किरदार निभा था। तो उस समय विदेशी हुकूमत के एक गवर्नर ने जो काशी में था उसने कहा कि वो श्री राम को हमने पढ़ा है कि वो लंका को पार कर गए थे, क्या आपके लिए हनुमान जी की इतनी क्षमता है कि यमुना नदी को पार कर सकते हैं? तो भट्ट जी ने श्री राम का नाम लेते हुए और जय श्री राम के साथ जो है छलांग लगाया तो वरुणा नदी को उन्होंने पार कर दिया और छलांग लगाकर वरुणा नदी को पार करके और वहीं पे श्री राम कहकर भट्ट जी ने अपना जीवन त्याग दिया। आज उनकी मंदिर वहाँ पर कैसा दृश्य होता है यहाँ जब भगवान प्रभु एक भाई मिलकर चारों लोग? दरअसल इस दृश्य का अगर आप कहें ना तो ये ऐसा जो है दृश्य बनता है जिसका शब्दों में बयान ये समझ लीजिए कि एक तरह से मुर्दे के तन में प्राण आने वाली जो सुख होता है वही अनुभूति होती है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा अगर संकट में हो और उसको ये लगा कि अब प्राण छूटने वाला है और उससे दोबारा प्राण मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भरत मिलाप का जो ये दृश्य है निश्चित तौर से काशी वासियों के लिए और वंशियों के लिए सभी भक्तों के लिए ये मृत संजीवनी का काम करती है। और इसके पीछे जो मकसद है कितना भीड़ होता है आज के मेले में? आज तक लाखों मिला है।